देश भर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगली कथा मध्य प्रदेश के अशोक नगर में होने जा रही है। ये अशोक नगर की तस्वीरें हैं, पूरा शहर एक उत्साह में रमा नजर आ रहा है। अशोक नगर में 24 नवंबर से 30 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मौजूद श्रद्धालु इस विराट आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मैं बबलू यादव, अशोकनगर में किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ और सरपंच संघ का भी जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर एक सेवेदार की भूमिका निभा रहा हूँ। आज एक भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। कल बागेश्वर धाम सरकार की कथा जो हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वो कथा कल प्रारंभ होगी। उससे पूर्व एक भव्य कलश यात्रा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नज़ारा, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बाग पहले ही आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी महिलाएं जो 3100 कलश लेके आगे चलेंगी उनका भी ड्रेस कोड है, जो 2100 महिलाएं कुछ पीली साड़ी लेके चलेंगी, फिर उसके बाद में हमारे बैंड रहेंगे, फिर हमारे आगे घोड़े रहेंगे, ऐसे करके अलग अलग तरीके से सारे लोगों को व्यवस्था दी गई है। महाराज जी की जैसे ही डेट फाइनल हुई थी उसी दिन से सारे सेवादार और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लग गए थे, क्योंकि एक अशोकनगर के लिए एक सौभाग्य का दिन था जिस दिन महाराज जी ने स्वीकृति दी अशोकनगर में आने की, क्योंकि वहाँ पर सालों से लोग बाग इंतजार कर रहे हैं। हमारे अशोकनगर का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमने वहाँ पर जब जानकारी ली तो लोग बाग दो दो साल की वेटिंग मिल रही है कथा के लिए। ये बहुत बड़ी अशोकनगर के लिए उपलब्धि है महाराज का आने। पंडाल सज चुका है, चारों तरफ भंडारे की तैयारी हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा के लिए एक भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। गुरुवार यानी 24 नवंबर से यहाँ बागेश्वर पीठाधीश्वर के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हो जाएगा। बुधवार को अशोक नगर में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। लगभग 4 किलोमीटर तक श्रद्धालु मौजूद थे। इस कलश यात्रा में ढोल ताशों के साथ महाराष्ट्र से आए एक मंडल ने अपनी शानदार प्रस्तुति भी दी। हमारा एक ये निजी संगठन है, बाल गौ सेवा ढोल संगठन, महाराष्ट्र की तर्ज पर हम आरोन नगर से हैं और महाराष्ट्र की तर्ज पर हम पूरे मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। जहाँ भी हमें लगता है कि जहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और निःशुल्क रूप से महाराष्ट्र की तर्ज पर ढोल ताशों से अपना प्रदर्शन करके दिखाती है। ये हमारी ड्रेस कोड है और इसी प्रकार से हम इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करेंगे। जी, कथा की तैयारी का पिछले 2 माह से चल रही है। जब से महाराज जी ने समय दिया अशोकनगर आने का, अन्य जगह कथा थी उनकी, उसको कैंसिल करके अशोकनगर के लिए समय दिया। बड़ा उत्साह है, अशोकनगर की पावन भूमि, यहाँ महाराज जी पधार रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, आज पुष्प वर्षा होगी, कलश यात्रा होगी, महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं सब। आपको बता दें कि बागेश्वर पीठाधीश्वर के मुखारविंद से होने जा रही 24 से 30 नवंबर तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अशोक नगर के नवीन गल्ला मंडी मैदान में किया जा रहा है। यहां पर 26 और 27 नवंबर को दिव्य दरबार का आयोजन भी होगा। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा आयोजित होगी। इस कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन लगभग 3 से 5 लाख लोग पहुंच सकते हैं, इसीलिए यहां व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक नवीन गल्ला मंडी अशोक नगर में भव्य और विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो पंडाल लगा हुआ है 100x800 का जर्मन डोम पंडाल लगा हुआ है और हमारे देख पीछे जो आप पंडाल देख रहे हैं बड़ा दूर है, वहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी भक्तगण यहाँ पहुँचेंगे उनके लिए सभी के लिए भंडारे की प्रसाद की व्यवस्था की गई है।